₹750 लाडली बहनों को देना पड़ेंगे। 398 इसमें राज्य शासन उनका जो प्रतिपूर्ति देगा, इसमें लगभग 160 करोड़ का व्यय होगा। तो लाडली बहनों को जो हमारी घोषणा थी सब्सिडाइज रेट पर गैस की टंकी देने की, उसको भी आज कैबिनेट ने मंजूरी देते हुए कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में कई अहम प्रस्तावों को लेकर मुहर लगी है। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय इसी बात की जानकारी दे रहे हैं और कई सारे मुद्दे, कई सारे प्रस्ताव पटल पर रखे गए जिन्हें हरी झंडी मिली है और ये मोहन कैबिनेट के कुछ बड़े फैसले सामने आ रहे हैं, जहां पर महिलाओं को लेकर एक बड़ा तोहफा रक्षाबंधन के पहले दिया जा रहा है। वहीं कुछ अन्य फैसले भी हैं जो कि जनता के हित के लिए, विकास के लिए। ₹450 में गैस सिलेंडर मिलेगा, यानी कि गैस सिलेंडर के दामों में कमी की गई है और ये एक बहुत बड़ी सौगात है पूरे प्रदेश की सभी लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से गैस के दाम ज्यादा देना पड़ता था, अब ₹450 में ही आपको गैस सिलेंडर उपलब्ध होगा। मोहन कैबिनेट का ये बहुत बड़ा फैसला बताया जा रहा है और इसके साथ ही अन्य कुछ फैसले भी हैं जिन पर हरी झंडी मिली है, मुहर लगी है और इसको लेकर भी सरकार प्रतिबद्ध है कि महिलाओं को किस तरीके से और सशक्त बनाया जाए। रक्षाबंधन के पहले एक बड़ा फैसला मोहन कैबिनेट ने लिया था, मोहन सरकार ने लिया था और ये एक बहुत बड़ी खबर है, जहां ₹450 में अब गैस सिलेंडर उपलब्ध होगा। कह सकते हैं कि लोगों की जेब में बहुत बड़ी राहत होगी और सब लोग आसानी से गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर पाएंगे, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हाल ही में 11 बजे जो बैठक हुई है मोहन कैबिनेट की, उसमें ये बड़ा फैसला, लाडली बहनों को एक बड़ी राहत मिलने जा रही है, जहां पर ₹450 में अब गैस सिलेंडर मिलेगा। तो लाडली बहनों के साथ साथ ये उन परिवारों के लिए भी बहुत बड़ी राहत होगी जिनके लिए ₹1000 से ज्यादा का सिलेंडर खरीद पाना थोड़ा सा मुश्किल होता था, अब आसानी हो जाएगी। ₹450 में सिलेंडर मिलेगा, गैस सिलेंडर उपलब्ध होगा, सस्ता किया गया है गैस सिलेंडर। बीजेपी ने ये बड़ी घोषणा की है और घोषणा पत्र में जो वादा किया गया था, इस वादे को अब पूरा करते हुए मोहन कैबिनेट में इस बड़े फैसले को मंजूरी दे दी गई है और अब आपको बहुत ही कम दाम, यानी कि सिर्फ ₹450 में गैस सिलेंडर मिल जाएगा, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और पूरे प्रदेश में ये आम जनता की जेब में एक बहुत बड़ी राहत बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ना लाडली बहनों के लिए राहत की बात है बल्कि पूरे परिवार के लिए। जो घर का मुखिया है उसकी जेब में इसका जो अच्छा खासा असर पड़ता था, महंगा बजट लगता था, उसमें बहुत बड़ी राहत दी गई है। ₹450 में मात्र आपको गैस सिलेंडर मिलेगा, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हाल ही में मोहन कैबिनेट की बैठक हुई थी और इस बैठक के दौरान ये एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। तो बीजेपी ने घोषणा पत्र में वादा किया था और उस वादे को पूरा करते हुए आज मोहन कैबिनेट में ये बड़ी मंजूरी इस प्रस्ताव को मिली है, जहां पर ₹450 में गैस सिलेंडर उपलब्ध होगा। लाडली बहनों को ये बड़ा, एक बड़ी राहत भी कह सकते हैं, बड़ा तोहफा कह सकते हैं। और संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, घोषणा पत्र का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था ₹450 में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाना, इसको हरी झंडी मिल गई है? जी देखिए, बिल्कुल आज बड़ा ही कैबिनेट में फैसला लिया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में आज जो लाडली बहना को लेकर लंबे समय से बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था और मांग भी उठ रही थी, विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा था कि भाजपा अपना कब वादा पूरा करेगी, तो निश्चित ही आज वो दिन आ गया जब सीएम ने कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा की और उस पर मुहर लग गई। अब लाडली बहना जो मध्य प्रदेश की, उनको ₹450 में सिलेंडर मिलेगा, तो निश्चित ही एक बड़ी घोषणा है और इसको लेकर काफी समय से
से मांग भी उठ रही थी और जिस तरह से रसोई गैस के दाम बढ़ रहे थे या कहीं ना कहीं बार बार ये बात उठती रही थी कि घोषणा पत्र में अगर शामिल है तो इसको लिया जाना चाहिए और गैस सिलेंडर जो 450 रुपये मिलना चाहिए, तो आज इस पर मोहर लग गई है और 450 रुपये में अब लाडली बहना को सिलेंडर मिलेगा। तो काफ़ी बड़ी संख्या में इससे महिलाओं को लाभ मिलने वाला, 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाएँ जिनको परिवारों को सीधे सीधे 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा और सीधा फायदा होगा। तो निश्चित ही देखा जाए तो अभी रक्षाबंधन को लेकर भी एक फैसला हुआ है, उसको लेकर कहा ही गया था कि 250 रुपये सभी जानकारी मिल रही है कि 450 रुपये प्रति सिलेंडर अब मिलेगा, यानी कि जो दाम है वो घटाए गए हैं। ये ना सिर्फ लाडली बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है बल्कि परिवार के उस मुखिया के लिए भी बहुत बड़ी राहत है जिनके लिए सिलेंडर खरीद पाना थोड़ा मुश्किल भी होता था, जेब पर असर पड़ता था, लगता था कि ज्यादा रेट है, थोड़ा भार पड़ता है, लेकिन अभी उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत की बात होगी। हाँ जी देखिए, बिल्कुल ही बड़ी संख्या में जो लाडली बहना और ये सभी परिवार कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में है तो इनके लिए एक बड़ा सौगात होगी कि इन्हें इतने कम दाम में 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, उसका भार जो है वो अब सरकार वहन करेगी। तो निश्चित ही इस जितने रुपए में 450 में सिलेंडर आएगा तो जो बचत होगी उससे करोड़ों परिवार जो लोग हैं रहवासी एमपी के उनको फायदा मिलेगा। खासकर ये रक्षाबंधन के पहले दो बड़े फायदे मिलने जा रहे हैं गैस सिलेंडर के साथ ही, जो राखी त्योहार मनाने के लिए 250 रुपए, तो दोनों ही फैसले आज बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन परिवारों के लिए फायदेमंद है जो कहीं ना कहीं रसोई गैस के बढ़ते दाम, जो सिलेंडर जो घर के लिए आता था वो महंगा होने से 950 रुपए ज्यादा तो एक बोझ रहता था, तो वो बोझ अब कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं इससे बचत भी होगी, आर्थिक बचत होगी और ये एक बड़ी खुशी की बात भी होगी उन महिलाओं के लिए जिन्होंने रक्षाबंधन के 250 रुपए का भी स्वागत किया था। अब निश्चित ही गैस सिलेंडर को लेकर भी सभी महिलाओं में खुशी दिखाई देगी क्योंकि लाडली बहनाओं को त्योहार रक्षाबंधन जैसे त्योहार के पहले ये सौगात मिलने जा रही है। बिल्कुल, और साथ ही हमारे साथ इंदौर से मिथिलेश भी जुड़ गए। मिथिलेश, एक बहुत बड़ा फैसला मोहन कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया है जिसमें लाडली बहनों के साथ साथ परिवार के उस मुखिया की जेब में भी बहुत बड़ी राहत होगी, बहुत आराम मिलेगा कि रसोई गैस की जो उपलब्धता थी वो आसानी से हो पाएगी हर परिवार के लिए, खासतौर पर उन निम्न वर्गीय परिवारों के लिए बहुत राहत होगी जिन्हें ये खरीद पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता था। देखिए, जब राखी का तोहफा मोहन सरकार ने कुछ दिन पहले दिया था तो इंदौर की महिलाओं ने खुल कर उनके फैसले का स्वागत किया था और कहा था कि हम सभी बहनाओं का उन्हें खूब सारा आशीर्वाद, जो उन्होंने राखी के त्यौहार में उन्हें पहले ही गिफ्ट दिया है उसके लिए उन्होंने भैया का धन्यवाद दिया था। और आज तो ये कहा जा सकता है कि मोहन सरकार की कैबिनेट ने जो बड़ा फैसला किया है ये दो गुनी खुशी हो जाएगी महिलाओं के लिए कि राखी के त्यौहार में जो पैसे मिलने वाले थे उसके बाद एक बड़ी जो राशि कम की गई है उस सिलेंडर को लेकर 450 रुपये में सिलेंडर मिल जाएगा। और देखिए, कहीं ना कहीं घर का जो बजट है वो छोटे छोटे पैसों के सेविंग से बनता है और घर का जो बजट है वो घर की महिलाओं के हाथ में ही होता है और जब ये छोटे छोटे पैसे बचेंगे तो कहीं ना कहीं से वो बजट भी बचेगा और महिलाएं कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर काफ़ी राहत भी महसूस करेंगी। तो महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और राखी के त्यौहार के पहले मोहन सरकार ने उन्हें एक बड़ा तोहफा दिया है। तो मोहन भैया अपनी बहनों को, मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को लगातार राखी पहले एक के बाद एक तोहफा देते जा रहे हैं। और बिल्कुल मिथिलेश, और सीधे अब सुनेंगे भी मोहन कैबिनेट के फैसले के दौरान किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। तो लाडली बहनों को जो हमारी घोषणा थी सब्सिडाइज रेट पर गैस की टंकी देने की, उसको भी आज कैबिनेट ने मंजूरी देते हुए लगभग 160 करोड़ का इसमें प्रावधान बजट में किया गया। तो लाडली बहनों को जो हमारी घोषणा थी सब्सिडाइज रेट पर गैस की टंकी देने की, उसको भी आज कैबिनेट ने मंजूरी देते हुए लगभग 160 करोड़ का इसमें प्रावधान बजट में किया गया। तो देखिए, एक तरफ जहां 250 रुपये रक्षाबंधन का त्यौहार है और इस त्यौहार के दौरान दिया जा रहा है मोहन कैबिनेट की तरफ से, मोहन सरकार की तरफ से महिलाओं के खाते में 250 रुपये की राशि आएगी और 450 रुपये में आपको रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध होगा और ये बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। और सीधे एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे साथ शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, इन दो बड़े फैसलों के साथ ही साथ और भी कुछ बहुत बड़ी राहत मिली है?
देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये दो फैसला आज हमने सुबह ही कहा था कि आज महिलाओं का दिन है, तो निश्चित ही आज जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट हुई उसमें सारे फैसले जो बड़े हैं वो सब महिलाओं से जुड़े लिए गए। अगर बात की जाए तो रक्षाबंधन का जो 250 रुपये देने की उनको 1 तारीख को देना थे, 1 अगस्त को घोषणा की थी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, आज उसको मोहर लगाई गई, आज उसको कैबिनेट ने मंजूरी दी। उसी तरह जो सिलेंडर वाली गैस सिलेंडर जो 450 रुपये सब्सिडी के साथ जो मिलेगा एक बड़ी और सौगात दी गई, और 160 करोड़ रुपए का इसमें बजट में प्रावधान भी कर दिया गया, कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी। इसी के अलावा आंगनवाड़ी महिलाओं को लेकर जो आंगनवाड़ी वर्कर से मध्य प्रदेश में जो काम करती है पूरे मध्य प्रदेश की 85,000 से ज्यादा आंगनवाड़ियों में, तो निश्चित ही उन आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी एक बड़ी सौगात मिली है, उनको बीमे के दायरे में लाया गया। अभी तक आंगनवाड़ी वर्कर्स फील्ड में काम करती थी, इनकी जो सहायिका है वो ग्राउंड पर जाकर छोटे छोटे गाँव में काम करती थी, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी आपात स्थिति को लेकर कोई बीमा नहीं होता था, तो आज कैबिनेट में उस बीमे को भी मंजूरी दी गई। अब आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है जो कहीं ना कहीं बड़ा एक बैकबोन भी कही जा सकती है सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है, उनको ग्राउंड पर जाकर सक्सेस करने में सबसे अहम कड़ी होती है आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिकाएं, तो इन जो महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की गई थी। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही कही आपने शैलेंद्र की, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं वो बैकबोन का काम करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, खासतौर पर किसी भी योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम होते हैं। और बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, साथ ही मिथिलेश आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये कुछ बड़े फैसले, और आप देखिए कि आज की जो बैठक थी वो खासतौर पर महिलाओं के लिए बड़े तोहफे लेकर आई है, जहां पर पहले से ही घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा करते हुए मोहन कैबिनेट ने ये बड़े फैसले लिए हैं, जहां पर महिलाओं के खाते में 250 रुपए राशि जाएगी रक्षाबंधन के त्योहार के इस खास मौके पर, और दूसरी तरफ 450 रुपए का जो सिलेंडर है वो अब उपलब्ध होगा, और आंगनबाड़ी जो महिलाएं थी जो कार्यकर्ता थी अब वो बीमा के दायरे में आएंगी। एक बहुत बड़ी सौगात महिलाओं को